वेलकम इन इजी इंजीनियर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं दो जीआई फाइल्स है, इसके अंदर एक पोर्शन में एक फ्लूड है, वाटर है, दूसरे पोर्शन में दूसरा फ्लूड है, वो ऑयल है। यहाँ पे हम अगर नज़र डाल के देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये मालूम होता है कि दोनों का जो फ्लो है वो एक का ज़्यादा है दूसरे का कम है। तो ये होने की वजह उन फ्लूड की विस्कोसिटी है। तो ये विस्कोसिटी क्या है और उसका रोल फ्लूड में क्या होता है वो देखते हैं। इस जीआई फाइल में भी हम देख सकते हैं कि एक ऑयल है वो ऊपर से आ रहा है और स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है। अगर इसकी जगह अगर वाटर होता तो वो फुली वहाँ से गिर जाता, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती। तो कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो फ्लो हो रहा है फ्लूड उसको रेसिस्ट करती है, और वो रेसिस्ट जितनी करती है इतना वो फ्लो कम होता है। इसको ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी कि जी ये ऑयल है, वो ऑयल जो फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी का रोल इसके अंदर है, इसकी वजह से इस तरह का फ्लो जनरेट होता है। तो ये विस्कोसिटी किस तरह से, इसका इक्वेशन क्या है और वो क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक नीचे एक फ्लोर है, यहाँ पे हमने ये फ्लोर ले लिया है। इस फ्लोर पे इस तरफ से दूसरी तरफ फ्लूड फ्लो हो रहा है, और ये फ्लोर हो रहा है वो आइडियल कंडीशन में है, यानी कि लेमिनर फ्लो है, और वो कई सारे लेयर में डिवाइडेड है, मींस लेयर 1 2 3 4 5 4 इन्फिनिटी। ओके, तो ये लेयर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। हम अपने कैलकुलेशन के लिए दो लेयर ले लेते हैं बीच में से, एक है लेयर 1 और एक लेयर बी, लेयर ए और लेयर बी दोनों को कंसिडरेशन करके हम विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, तो ये साइड से दूसरी साइड फ्लो रन हो रहा है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है जिसे हमें y डायरेक्शन बोल रहे हैं, वो y डायरेक्शन हाइट है। यहाँ से जीरो हाइट है, वैसे वैसे आगे चले जाएंगे वहाँ पे हाइट बढ़ती जाएंगी। अगर यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm जब तक हम जाए हैं वहाँ तक ले चलते हैं। ओके, तो यही सिंपली है इस फिगर की कंडीशन, ये सिंपल है। ओके, और ये जो हमें कर्व दिखाई दे रहा है ये दो चीज का कंबाइनेशन 2D ग्राफ है। वन यानी कि u क्या है, वो वेलोसिटी है उस प्रोफाइल पे, पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी, और y डायरेक्शन की हाइट, वो दोनों को अगर कंबाइनेशन कर दे तो हमें ये कर्व मिलेगा जो हम वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लेयर ए का पॉइंट ए है, लेयर बी का पॉइंट बी है, हमने ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। वो कैसे, सपोज हमने यहाँ पे 0 सेकंड है, तो जीरो सेकंड में ये पॉइंट यहाँ था, ये भी पॉइंट यहाँ था। ओके, 0 सेकंड के बाद आफ्टर सम टाइम पॉइंट ए यहाँ से यहाँ आ गया और पॉइंट बी यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, इस तरह से अगर बीच में कोई भी हम लेयर ले लेते हैं तो उसका भी यही होता है, वो जो पॉइंट यहाँ होगा तो वो डायरेक्टली आफ्टर सम टाइम वो पॉइंट इस कर्व के साथ बना रहता है। ओके, तो हमने एक स्टेटिक कंडीशन t = 0 से t
टी इज इक्वल टू टी तक हमने एक कंडीशन ले ली और वो कंडीशन ये थी। ओके, ये कर्व हमें जो दिखाई रहा है वो टी इज इक्वल टू टी कंडीशन में है। नाउ अब हम जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है दो पॉइंट का वो अगर हम निकालेंगे तो हमें डी यू मिलेगा, और वर्टिकल जो डिफरेंस है दो पॉइंट का वो निकाले तो हमें डी वाई मिलेगा। अब यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एट लेयर ए, u प्लस डी यू मीन्स यहाँ से यहाँ पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस मिला u, उसको ऐड करने से जो हमें मिलता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एट लेयर बी पे मिलेगी। यानी कि दो चीज़ हमें मिली है, डी यू और u प्लस डी यू। ओके, और दूसरी एक थर्ड चीज़ है यानी कि डी वाई, जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच का, दो लेयर के बीच का। ओके, तो हम मैथमेटिकली अगर बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद मैथमेटिकली ये प्रूफ हुआ है कि अगर ये दोनों जो लेयर है वो दोनों लेयर के बीच की जो स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, वो अगर हम निकालें तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डी यू बाई डी वाई के प्रोपोर्शनल है। मींस ये दोनों जो पॉइंट है वो पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है डी यू, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो डी यू अपॉन डी वाई, मीन्स दो लेयर का वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल हाइट डिफरेंस है वो, उसका अगर रेशियो निकाले तो वो रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है क्या, शियर स्ट्रेस बिटवीन लेयर्स, वो दोनों प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाई डी वाई को। ओके, अगर ये प्रोपोर्शनल हम निकालें तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, ये कांस्टेंट जो है वो ही हमारी विस्कोसिटी है, और ये विस्कोसिटी हर एक फ्लूड के साथ चेंज होती है। वो वाटर का अगर बात करें तो वाटर की चेंज होगी, ऑयल की चेंज होगी, अगर हनी लेते हो तो उसकी चेंज होगी, हर एक फ्लूड के लिए विस्कोसिटी अलग अलग होती है। और हम जो ये विस्कोसिटी जो कांस्टेंट के रूप में हम ले लेते हैं वो विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी हम उसको बोलते हैं। इजीली हम विस्कोसिटी का ही वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं कि विस्कोसिटी यानी कि म्यू, जो एक्चुअली में डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। और जो हमने ये रेशियो जो हमको मिलता है डी यू बाई डी वाई का, वो क्या है, वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, तीन का मीनिंग एक ही होता है, मींस डी यू बाई डी वाई। और ये जो विस्कोसिटी है उसका यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम इजीली ये कह सकते हैं इस फॉर्मूला की यूज़ करके कि अगर म्यू की, अगर डी यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और टाउ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर डी यू की वैल्यू ज़्यादा होगी टाउ की अगर सेम रहेगी तो म्यू की वैल्यू कम हो जाएंगी। इट मीन्स अगर दो लेयर है, अगर हम वाटर की कंडीशन की बात करें तो जो हमें डी यू की वैल्यू मिलती है, किसकी डी यू की वैल्यू, वाटर के केस में डी यू की जो वैल्यू मिलती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम इसी पॉइंट पे ऑयल की बात करते हैं तो हमें डी यू की जो वैल्यू होती है वो कम मिलती है, यानी कि अगर डी यू की वैल्यू यहाँ पे कम होगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, और वाटर के केस में क्या होगा, डी यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू कम होगी, ऑयल के केस में क्या होगा, डी यू की वैल्यू कम होगी तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि अगर कोई ऑयल फ्लू, ऑयल की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर इसी केस में हम वाटर की बात करते हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कम है। तो हम
यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं।